जय हिंद साथियों। और साथियों, अभी बात करेंगे एसएससी जीडी भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आंसर की बहुत दिनों पहले जारी हो चुका है, लेकिन अभी भी रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट भी जल्दी आएगा, और रिजल्ट आने के बाद आपको लगभग 1 महीने आपको टाइम और मिलेंगे फिजिकल के लिए। हालांकि मेरे पास एक सूचना आई है, लेकिन अभी उसको सार्वजनिक नहीं कर पाऊंगा कि कब आपका रिजल्ट आएगा और कब आपका फिजिकल आएगा, लेकिन वो जैसे ही सूचनाएँ हमको कन्फर्म हो जाएगी तो वो सूचना आपको दे दूंगा। इससे पहले हमने एनालिसिस भी किया था कि कितने रॉ मार्क्स जो बच्चों का स्कोर आ रहा है जो कि फिजिकल की तैयारी में जुड़े हैं। और इसी बीच अभी हमारे बीच एक लड़का यूपी से आया हुआ है, यूपी से है ना? हाँ, गोरखपुर। यूपी गोरखपुर से आए हुए हैं, और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो देवरिया डिस्ट्रिक्ट, देवरिया नक्सल में आता है या जनरल डिस्ट्रिक्ट? जनरल डिस्ट्रिक्ट, जनरल डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो जो इससे पहले के जो एग्ज़ाम होते थे और जो इस बार एग्जाम हुआ, जो क्वेश्चन जो इस बार घटे हैं और जो इस बार जो क्वेश्चन में दम था वो बहुत अलग लेवल के था, टाइम भी कम था। तो इसको देखते हुए कट ऑफ कुछ विशेष खास रहने वाला है नहीं। आप लोग भी जानते हैं नक्सल का, चाहे बॉर्डर का या जनरल डिस्ट्रिक्ट का, ये अलग अलग कट ऑफ आता है, और हर स्टेट का भी कुछ कुछ डिफरेंट रहता है। तो जानते हैं कि इनका स्कोर कितना है और ये कहाँ से भी आए हुए हैं, थोड़ा सा इनसे जानते हैं। जी नमस्ते, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है, मैं गोरखपुर रहता हूँ, गोरखपुर से आया हूँ, और मेरा आंसर की मैं 130 क्वेश्चन का 8 मिनट पे सही हो रहा है। यानी टोटल सही कितना? 66 सही। कितना अटेम्प्ट लिए थे? मैं 71 71 अटेम्प्ट लिए थे। और भाई यहाँ पर अभी आए अकेडमी में फिजिकल की तैयारी करने के लिए, कब आए? कल आए हैं, रात में, शाम को 4। तो वीडियो के माध्यम से आए? हाँ सर, जिसको भी जिसका भी 100 से ज़्यादा नंबर आ रहा है वो प्लीज फिजिकल की तैयारी में जुट जाए। 100 तो बहुत हो गया, लेकिन जो नक्सल, हाँ वो 100 तो, हाँ ठीक है, वो जनरल की बात है, लेकिन जिनका भी 90+ है वो नक्सल वाले, चाहे ईडब्ल्यूएस जिनका है, चाहे बॉर्डर एरिया वाले, उनके कटअप तो बहुत नॉर्मली कम रहता है। तो चाहे ओबीसी कैटेगरी से हो, चाहे बाकी एसटीएससी का, तो कटअप लड़कियों का तो और भी बहुत कम कटअप रहता है, बहुत कम कटअप रहता है। और तो मैं लड़कियों से भी खासकर ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग 1600 मीटर जो आपको टाइम मिलता है, आप लोग अभी से तैयारी करें। ये नहीं कि जब आपका रिजल्ट आता है तो उस समय फिर आप ग्राउंड में जाते हो, फिर इंजरी लेके बैठ जाते हो, फिर आप इस रेस से बाहर हो जाते हो। इसलिए इस बात पे आपको ध्यान देना होगा। और बाकी भाइयों के लिए भी बोलूंगा कि आप जितना, देखिए आसान तो है 5 किलोमीटर वो लगातार कंटिन्यूटी करना, लेकिन जो कभी फिजिकल नहीं किया उनके लिए बहुत टफ ही है। और सच बात है कि जो व्यक्ति पढ़ता है दो ही चीज़ एक साथ हर लोग नहीं कर पाते, क्योंकि पढ़ाई और फिजिकल दोनों में बहुत अंतर है। फिजिकल करिएगा थकिएगा, फिर पढ़ाई नहीं होगा, पढ़िएगा तो फिर दौड़ने में क्या फिर उतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इसलिए दोनों का कम्बिनेशन बैठाना बहुत ही डिफिकल्ट काम है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आपका जो हौसला है उसको दम बना के रखना। और एक ही बात बोलूंगा कि जिन भी भाइयों का अच्छा स्कोर हो रहा है, जिनको लगता है, बहुत जगह से आप लोग यूट्यूब पे मिलाए होंगे कि सारे लोग अपना अपना एनालिसिस डाले होंगे, अभी तक आप बैठे थोड़े होंगे तो आप मिला चुके होंगे कि कितना लगभग, मान लीजिए जो भी हम भी बोल रहे हैं, कुछ स्कोर बता रहे हैं कि 90 तक कम से कम 90+ वाले तैयारी करें, मान लो कि और 5-6 नंबर अपने से और बढ़ा लो, हो सकता है कि नहीं इतना कम कैसे जाएगा, अभी नॉर्मलाइज भी होगा तो आपका स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इस चीज को आप मानते हुए आप तैयारी करो, जोर शोर से तैयारी करो, क्योंकि इस बार आर नहीं तो पार कर दो। तो इस बार फिजिकल भी बहुत गर्मी में तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि मेरे पास जो डेट आया हुआ है, मेरे पास अभी अपडेट है लेकिन उसको अभी कंफर्म नहीं कर रहा हूँ। कुछ घंटे का ये नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार करिए, और मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि कितने तारीख से आपका फिजिकल होगा। रिजल्ट भी आपको जल्द अपडेट दूंगा, और वो भी बता दूंगा कि कब आपका फिजिकल होगा। मेरे पास एक अपडेट है, आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। मेरे पास आया हुआ है एक अपडेट है, ये आप देख रहे होंगे, लेकिन इसको छोड़िए अभी, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का जी